तो बेसिकली हम लोग बहुत सारी चीजें अभी जाने, इसमें कुछ हम लोग ऐड करना चाहेंगे। आप चैनल के बारे में कब जाने? जब मैं यूजी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तब, फिर उसमें काउंसलिंग वाला जो टाइम था तो उस टाइम पे दीदी बताई थी। अच्छा, बेसिकली दी बताई थी। ओके, कैसा लगा, क्या कैसे देखते हो फाइनली इस चैनल को? अच्छा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और सारा अपडेट टाइम से मिल जाता है तो बच्चों को उतना दिक्कत नहीं होता। फाइनली कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोग बीच में एक ट्रूली इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस कोई लोग सुनेंगे जानेंगे तो उन्हें बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा, सुनने को मिलेगा। नमस्कार अम्बरीजनों, आप देख रहे हैं सीओटी पार्सल, आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एक पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं सीओटी टॉक शो, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो बीएचयू डीयू जेएनयू जिस भी यूनिवर्सिटी में फाइनली सेलेक्ट होकर गए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे, उनका एक्सपीरियंसेस जानेंगे, उन्होंने कैसे तैयारी करी, काउंसलिंग में जो प्रॉब्लम्स आई उस समय उन लोगों ने कैसा महसूस किया, और फाइनली आने वाली जो हमारी बैचेज हैं उन स्टूडेंट्स के लिए क्या वो एक अपना एक मैसेज देना चाहेंगे, तमाम बातें कहीं ना कहीं हम लोग समझेंगे। और पर्टिकुलर इनका जो सब्जेक्ट्स है, क्योंकि ये पीजी की छात्र हैं, पीजी स्टूडेंट होने के नाते इनका कोई कोर सब्जेक्ट्स होगा। अब वो कोर सब्जेक्ट्स बेसिकली इनका जो है वो कैसे उन्होंने उसके लिए तैयारी करी है और आगे इनका एम क्या है, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ इस पूरे सीरीज को फॉलो करिए। और फाइनली आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? रिशिता। फिर से थोड़ा, रिशिता सिंह। रिशिता सिंह, तो फाइनली हम लोग रिशिता सिंह से बात कर रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है रिशिता यहाँ पे? बहुत अच्छा। कौन से प्लेस पे हम लोग? इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। बीच में पहले भी आना हुआ? बीएचयू गई हो क्या? हाँ। अच्छा, कहाँ बीएचयू में? कहाँ से? एएमपीजी से पहले पढ़े हुए और अभी। ओके, तो एएमपीजी का पूरा जो 3 साल का अनुभव रहा है वो कैसा रहा है? बहुत अच्छा था, गर्ल्स कॉलेज था बट हम लोग ने बहुत मजे किए। हम लोग का जो डिपार्टमेंट था वो बहुत फ्रेंडली डिपार्टमेंट था। ओके, तो टीचर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडली थे। तो अच्छा, एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चों का जनरली मैंने देखा है एक ऐसा ही रिव्यू आता रहता है कि स्टूडेंट्स और टीचर यानी प्रोफेसर्स के बीच में जो एक बॉन्डिंग है बहुत फैमिलियर है, ऐसा है ना? बच्चे उनके यहाँ जाते भी हैं, कुकिंग वोकिंग भी करते हैं, ऐसा भी है? इतना तो हम लोग ने किया लेकिन है टाइप सब है, कुछ डिपार्टमेंट में है जिसका जितना बॉन्डिंग है उस पर डिपेंड करता है, सबके लिए नहीं है। बाकी क्लासरूम में भी एक हेल्दी एनवायरमेंट है। ओके, पानी पीना चाहोगे क्या? नहीं नहीं। अच्छा, फाइनली तो एएमपीजी से आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाई करी? सोशियोलॉजी ऑनर्स। थोड़ा सा इधर हो जाना, मेरे कैमरे से फ्रेंड्स। सोशियोलॉजी ऑनर्स था और पॉल साइंस और साइकोलॉजी कोर सब्जेक्ट था, हिस्ट्री एंसिलरी था। सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे मिल गए थे। उधर साइकोलॉजी भी मिल रहा है, पॉलिटिकल साइंस मिल रहा है, सोशियोलॉजी। फाइनली मास्टर्स में क्या सोच रहे हो? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कितना मार्क्स आया था? 270। बहुत अच्छा मार्क्स है, टॉपर्स के लगभग करीब हो गए, आउट ऑफ 300। ओके, तो भाई आउट ऑफ 300 इनका जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं 270 है, बहुत अच्छा मार्क्स है आपका। तो ये पूरा तैयारी आपने कितने दिनों में करी होगी? मैं क्लियर था कि मुझे आगे पीजी करना है, तो और मैं ये भी क्लियर था कि जो भी यूजी में मैं ऑनर सब्जेक्ट रहेगा तो उसी से पीजी करना है, मतलब चेंज नहीं करना, नहीं करना है। तो स्टार्टिंग सोशियोलॉजी जो था वो ऑनर्स में था। अच्छा, तो मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में तो मतलब सेमेस्टर वाला नोट्स बनाया था, मैं खुद से ही अपना नोट्स बनाती हूँ। अच्छा, बट सोशियोलॉजी में मेरा था कि ऐसा नोट्स बनाना है जो कि सेमेस्टर एंट्रेंस दोनों के लिए काम है। ओके, तो मैंने उसी हिसाब से नोट्स बनाया और उसको रिवीजन किया। हाँ। ओके, बहुत अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं खुद पे कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा कर लेंगे। देखो भाई, नोट्स मेकिंग करना चाहिए, बेसिकली क्लासरूम नोट्स मेकिंग करके इन्होंने कितना अच्छा मार्क्स लाया अपने आप में, तो सोचा था कि डीएमसी मिल जाएगा। फोकस तो यही था स्टार्टिंग से। वैसे बेसिकली देखा जाए तो एफिलिएटेड की पूरी जो एक लड़कियों का रहता है कि मुझे डीएमसी मिल जाए, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ लिए एफिलिएटेड में। अच्छा, ऑनेस्ट रिव्यू दो कि एफिलिएटेड कॉलेज होते कैसे हैं? अच्छा होता है, क्लासेस रेगुलर चलती है। अच्छा, और कोर्स टाइम से कंप्लीट करा देते हैं टीचर्स। अच्छा, और फिर बहुत सारे टीचर्स तो रिवीजन भी करा देते हैं।
मतलब बहुत तेजी से पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट का ऐसा है, सोशियोलॉजी का है कि सबका लगभग ऑन एवरेज ऐसा ही रहता है? सोशियोलॉजी का तो यही है। अभी डीएमसी में कैसा लग रहा है? अच्छा चलो मान लो एक महीना यहाँ पढ़ लिया होगा, तो अभी अगर हमें वोटिंग करना हो तो एएमबीजी को करोगे या डीएमसी को करोगे पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट के लिए? डीएमसी में तो काफी टीचर्स ये काउंसलिंग वगैरह के लिए बिजी है। अच्छा तो इसलिए क्लासेस नहीं चल पा रही है। जिनका ले रहे हो उनका बताओ। पर अभी एक हफ्ते से रेगुलर क्लासेस है। एक हफ्ते से रेगुलर क्लासेस है। ओके मतलब फाइनली डीएमसी अच्छा है बोलना चाहोगे? हाँ ठीक है। क्या कुछ और यूनिवर्सिटी भी सोचे थे कभी कि जेएनयू आएंगे मान लो, या फिर डीयू के लिए भी सोचा हो या किसी जेएमआई के लिए सोचा हो? नहीं जेएनयू और डीयू में हम लोग को तो मुझे तो जाना था पर मम्मी पापा मना कर दिए। सही, वो उनका था कि यहीं पे पढ़ो। ओके तो फाइनली आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया और हम लोग जानेंगे तो अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के? बनारस। भाई बनारसी स्टूडेंट से बात होगी पहली बार? पहली बार क्या, बहुत रेयर मिल जाते हैं मुझे, बहुत रेयर मिलते हैं जनरली यहाँ पे बनारसी तो बहुत कम। मुझे लगता है पता नहीं क्यों नहीं चूज करते वो बी एच यू, क्यों नहीं आना चाहते वो? पता नहीं बिजनेस करते हैं क्या? इतना तो मुझे आइडिया नहीं है बट ओके कोई बात नहीं, अपना मर्जी है। ओके तो काउंसलिंग कैसा रहा पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर जो था? बहुत स्मूथ था। काउंसलिंग स्मूथ हुआ तुम्हारा? कैसे? काफी नहीं, हर लोग तो बहुत परेशान हो रहे थे। नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग प्रोसीजर इट मींस कि यहाँ पर बीएचओ एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा तो बहुत स्मूथ था, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा स्मूथ रहा है। ओके नहीं बहुत लंबा खिंच गया था, दो तीन चार महीने ऐसे, जनरली ढाई महीने मुझे तो स्टार्टिंग में ही मिल गया था फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट राउंड में मिल गया, उसके बाद से बस फिर मतलब बेचैनी रही जब क्लास ओपन हो और जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दे। आगे का क्या है? मैं प्रोफेसर बन, रिसर्च बनना, रिसर्च करके प्रोफेसर बनना है। बेसिकली कौन सी यूनिवर्सिटी में बनना है ये भी सोच के बैठे हो? नहीं पहले पीएचडी कर ले उसके बाद इसी विषय में करना है। कोशिश तो रहेगी पर ओके इतना पेशेंस है मतलब लड़की होने के नाते इतनी पढ़ाई खींच लोगे? जनरली अब यूजी में तीन साल दे दिए, अभी यहाँ पे दो साल फिर पांच साल, वो तो क्या अभी से टाइम है 7 साल तुम्हारे पास? हाँ मेरी बहन भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, मतलब फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है। तो भाई देख लो लड़कियों के लिए 7 साल अभी भी इतना, नहीं तो जनरली लोग अभी तो इन्वायरमेंट बहुत अजीब से यूजी हो गया है ना, एन फॉर गर्ल्स। चलो तुमने बहुत पढ़ाई कर ली। हम लोग के घर में ऐसा नहीं है, पेरेंट्स फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मम्मी पहले ही बोल दिए कि जब तक जॉब नहीं करोगे तब तक शादी वादी का सोचना भी नहीं है। अच्छा मतलब फाइनली वो चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, जॉब हो जाए, फिर इसके बाद आप शादी वादी में जाओ। बहुत अच्छा है, ऐसा थॉट होना चाहिए हर एक फैमिली का बच्चों के लिए। तो बनारस कैसा लगता है? अच्छा ही है, बचपन से यही हो? हाँ। क्या सबसे अच्छा प्लेसेज बताओ फिर यूनिवर्सिटी का पूछते हैं। घाट वाट यहाँ अच्छा है, मंदिर वंदिर है तो ये सब अच्छा लगता है। और यहाँ के स्ट्रीट फूड में क्या अच्छा लगता है? बाहर का खाते हो? क्या अच्छा लगता है बेसिकली? बहुत स्ट्रीट फूड सब चलेगा। सब चलेगा ओके, मतलब गोलगप्पा मोमोज एवरीथिंग। यहाँ का कचौड़ी बना ओके। बी एच यू में पहली बार कब आए हो गए, मतलब वो याद करके बताओ जब, क्योंकि यहीं पे हो यहीं पे जन्म हुआ तो पहली बार कब बी एच यू आए गेट के अंदर? हम लोग स्कूल पिकनिक में जनरली यहीं बीटी उटी घुमाने ले जाया जाता है। स्कूल के पिकनिक में मतलब बीटी पिकनिक स्पॉट फॉर स्कूल देख लो। हाँ। ये है इन लोग का ओके तो चलो कोई बात नहीं, अच्छे जगह घुमा ले आए, नाम भले पिकनिक है लेकिन स्पॉट अच्छा था। तो पहली बार वही कौन सी क्लास की बात है? लगभग पहली बार बी एच यू है तो सोचा कि बी एच यू आना है, उस समय नहीं सोचा होगा? नहीं उस समय साथ मेडिकल या इंजीनियरिंग किस बैकग्राउंड से हो? मैं स्टार्टिंग से था कि हमको टीचिंग में ही जाना है। ओ भाई इतना बहुत बढ़िया मतलब आजकल लोग भी बड़े अच्छे मिल जा रहे हैं, डिसीजन बहुत फाइनल है इनका, बचपन से डिसीजन फाइनल है भाई, मुझे बनना यही है और वही मिल रहा है। कल या परसों मैंने टॉक किया था उसका भी डिसीजन बहुत फाइनल था। अच्छा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये कन्फ्यूजन था ही नहीं मतलब कभी, पहले से ही क्लियर था। तो ये चीजें कहीं से इंस्पायर किया होगा ना कि हमें इसी प्रोफेशन में जाना है? मेरे छोटे दादाजी जो थे वो थे प्रोफेसर हिस्ट्री के। अच्छा हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, किस यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके दिल्ली के बहुत सारे कॉलेज हैं तो किसी कॉलेज में वो बेसिकली प्रोफेसर थे। अच्छा
तो वहां से कहीं ना कहीं दादाजी इंस्पायर किए आपको? उनको था कि उनके फैमिली से कोई एक प्रोफेसर बने। तो अभी कोई है करंट में? बाकी है। देखो भाई, इनकी एक पैरेलल जनरेशन जो है वो इनकी दी है, और वो क्या कर रही है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में, और ये भी बनना चाहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत पहले से एम बना रखा है। तो मतलब बेसिकली आप लोगों के मैसेज देना चाहोगे कि आप हमेशा से क्लियर रहो अपने एम को लेकर। ओके, और कोई अपने एक्सपीरियंसेस जो आने वाली लोगों को ध्यान देना चाहिए, लोगों को कैसे मोटिवेट करोगे, क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा सी फोकस रहिए अपने गोल के लिए, इधर उधर भटकना नहीं है। भटकाओं में क्या क्या ध्यान देना होता है? जैसे मेरी बहन ही है तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। बड़ी वाली जो प्रोफेसर है, मेरी जो खुद प्रोफेसर होने के बाद भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अब प्रोफेसर बनी है, पहले उसको मेडिकल करना था। अच्छा। फिर उसका यहाँ BHU में ही वो आयुर्वेदा और डेंटल निकल गया। okay. फिर उसके कुछ दोस्त आके बोले कि यहाँ पे स्कोप नहीं है आयुर्वेदा और डेंटल में, तो वो अच्छा। छोड़ दी। okay. फिर उसके एक दोस्त बोली कि एग्रीकल्चर में ले लो। अच्छा। तो वो उसके बाद में आके एग्रीकल्चर में भी ले ली। उसके बाद फिर वो UG में ही थी तो कोई TA का जॉब होता है। अच्छा। तो उसका वो एग्जाम दे दी क्योंकि लोगों ने बोला कि फ्यूचर में जॉब नहीं मिलती है। अच्छा। तो मतलब पर्टिकुलर उस विंग में नहीं मिलती है। हाँ। मतलब लोग डिसाइड बार बार कर रहे थे उसके फ्यूचर को, उनके फ्यूचर को, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा। और ये वीडियो वो भी देखेंगे वैसे। उसको मैं भेजूंगी, उसको पता है। okay. और फिर PG जब PhD कर ली तब उसका TA का रिजल्ट आया, तो उसका हो गया था। तो फिर उसके दोस्त लोग बोले कि PhD छोड़ दो, TA में ले लो क्योंकि सरकारी नौकरी है। okay. तो फिर PhD के बाद जॉब मिले ना मिले तो तुम यही ले लो, तो वो उसमें भी कंफ्यूज हो गई। फिर लिया कि नहीं? तो फिर हम लोग फिर मना कर दिए TA के लिए। तुम भी डिसाइड करते थे बी का फ्यूचर? हाँ। वो भी तुम्हारा डिसाइड करते हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब एक गोल फिक्स करो, ये इनका कहना है कि आपका गोल जो है वो जितनी जल्दी फिक्स हो जाए। तो बी ऑप्शन लेके क्या चल रहे थे? मेरा बी मतलब प्रोफेसर बनने की का एक जो एम है उसमें बी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती होगी? पड़ती है, कहीं ना कहीं टीचर तो हो ही जाना है भाई। नहीं होगा गवर्नमेंट तो प्राइवेट तो अपना सेक्टर खुला ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस वाले थॉट्स को जिसमें लग रहा है कि माइंड में रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन मैनेज कर लेगा, मतलब भी ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही फोकस रहो, बोलते रहो। हाँ। और गोल पे अपना करो, और जो भी तुम्हारा करियर है उस पे मत हिलो, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। नहीं, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि लड़कियों का जो बेसिकली जो पूरा फ्यूचर है वो दूसरा ही लोग डिसाइड करता है, फैमिली डिसाइड करता है, रिलेटिव्स डिसाइड करते हैं, ऐसा होता है। ये चीज समझा सुना होगा, मान लो आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बट ऐसा नहीं है। जब आप सेलेक्ट होके आते हो तो आपके पीछे की लंबी कतार जो है वो लड़कियों की छूट जाती है, घर में ही छूट जाती है। तो ये बताओ कि इसके लिए वो आखिर उनके फैमिली के लिए क्या बोलना चाहोगे, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहोगे, ऐसे जो बच्चे सफर कर रहे हैं या फंस जा रहे हैं कहीं पे? अगर वो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको पढ़ने दीजिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। और अगर उनकी बेटी पढ़ के सक्सेसफुल हो रही है या इंडिपेंडेंट बन रही है तो इसमें आप ही का अच्छा है कि वो अपने डिसीजंस ले सकेगी, फिर उसको किसी के लिए फिर पूछना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा या डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकती है, आने वाली कई जनरेशन को सुधार सकती है। बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ लाइनें हैं, क्या बोलना चाहोगे? सोशल मीडिया मतलब एक्चुअली किस वे में देखते हो, डिस्ट्रैक्शन है या बहुत बेनिफिशियल है? मेरा उतना कुछ है नहीं ज़्यादा, मैं म्यूजिक लवर हूँ तो मैं सारा सोशल मीडिया मिनी स्पॉटिफाई बन चुका है। ओके। तो कुछ भी खोल लें खाली गाना ही दिखेगा। मुझे लग रहा है मुझे भी रिवील कर देना चाहिए तो, मुझे क्या पसंद है। मैं भी बेसिकली यूट्यूब चलाता जरूर हूँ, लेकिन मेरे इंस्टा पे भी जीरो मतलब मैं किसी को फॉलो नहीं करता, हर एक सोशल मीडिया पे किसी का फॉलो ही नहीं है क्योंकि किसी को झांकने की आदत नहीं है। और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, मेरे पूरे मेरे ऑफिशियल चैनल से मुझे लग रहा है बहुत सारे डेली के म्यूजिक जाते हैं, और कई बार तो मैं एक ही सॉन्ग्स को कई बार सुनता हूँ, लूप में सुनता हूँ जब तक पेट ना भर जाए। ऐसा कोई रिसेंट का सॉन्ग जो अच्छा लगा?
म्यूजिक लवर हो तो मैं जानना चाहूंगा, लोग भी जानना चाहेंगे। नहीं सारे नहीं, कोई एक बताओ जो करंट में अभी, जैसे मैं तो अभी सुबह सुन के आ रहा हूँ, मुझे याद है, तुम बताओ। अरिजीत सिंह के बहुत सारे गाने तो मैं दिन भर ही, मतलब अरिजीत बेसिकली इसको कॉल करते हो। ओके, मैं केके के बेसिकली सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनता हूँ। केके सुनते हो? ओके, वन ऑफ द फेवरेट। बेसिकली ये गाना मैं रिकमेंड कर देता हूँ। एक्चुअली ना आइंस्टाइन ने भी म्यूजिक को बहुत अच्छा बोला है, म्यूजिक जो है बेसिकली एक सोल कन्वर्सेशन है। झूम करके एक सॉन्ग है, JOOM, कोई अली करके कोई सॉन्ग है, सिंगर है उसका, बस JOOM डालोगे तो आ जाएगा, मतलब नहीं JHOOM डालोगे तो झूम, ऐसे करके। तो बाय द वे सोशल मीडिया को बेसिकली सॉन्ग्स के तो रिलेट कर लिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो, मतलब एक्चुअली मैं सोशल मीडिया, जैसे कि अभी देखो सोशल मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंट का डेटा है, लगभग हमारी 8 करोड़ पॉपुलेशन जो है, यूथ जो है, जो बहुत ही साफ माइंड स्मार्ट माइंडेड बच्चे हैं, इवन वो बहुत अच्छे कोर्सेज करके आ रहे हैं, बीटेक तक करके आ रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज करके आ रहे हैं, और वो फाइनली सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोल के और वो फाइनली उस पर स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, ऐसा कुछ कंटेंट मेकिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, या फिर जो बच्चे नए नए इसमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके लिए क्या? जैसे आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपने ये सब चीज़ों में कभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, अब आप अगर नेट जारफ कर लेते हो और फाइनली आप ये सब काम शुरू करते हो तो कैसे देखते हो इस चीज़ को? मुझे लिखना पसंद है तो मैं बेसिकली मतलब पोर्ट्स या स्टोरीज वगैरह लिखती हूँ और अपलोड करते हैं। अच्छा, मतलब बेसिकली चाहते हो कि जो हमारे कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो काम हम लोग सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है। अच्छा, अच्छा होना चाहिए बस। ओके, मतलब कहने के सोशल मीडिया को सपोर्ट ही कर रही है, लेकिन इस वे में कर रही है कि आप उसी विंग में काम करो जिस विंग में आपने पढ़ाई करी है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है बेसिकली। मतलब मिसयूज नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना, बाकी जो करना करो। ओके, आजकल की बॉन्डिंग के ऊपर क्या कन्वर्सेशन करना चाहोगे? अच्छा, वैसे मतलब बनारस का इन्वायरमेंट तो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल है, बहुत ट्रेडिशनल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक बहुत ओपन माइंड सेट है, वहाँ पे जो एक लड़के और लड़की का जो एक गर्ल्स बॉयज का जो बॉन्डिंग है बहुत ओपन है, इसको किस तरीके से देखते हो स्कूल से और अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में? जो बाद में स्कूल में तो रहा होगा कोई एजुकेशन, बाद में तो मुझे लग रहा है कि गर्ल्स में चले गए, फिर भी इस पर कुछ बोलना चाहो। मतलब ठीक है, अगर हेल्दी है तो कंटिन्यू करो करो, मतलब सपोर्ट उसमें मिलना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं है, अब क्योंकि सोशियोलॉजी स्टूडेंट है तो आप सोसाइटी में एलिनेट होके नहीं रह सकते। ओके, मतलब ये अपने लिए बोल रहा है। ओके, अपने लिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट ये सब चीजें इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी को समझना है बेसिकली। ये बात भी बहुत सही है, महात्मा गांधी कहते भी है कि पहले आप एक्सपीरियंस करो तभी आप, ये उन्होंने नमक छोड़ा था ना लोगों को नमक छुड़वाने के लिए, तो वही चीज है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ चलो एक्सपीरियंस। अच्छा, इन एक्सपीरियंसेस में अगर कोई बैड एक्सपीरियंस मिल जाए तो कैसे मैनेज करें? लाइक ब्रेकअप हो गया, फिर उसको कैसे मैनेज करें? फिर उससे सीखो कि दोबारा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करो। कुछ भी दो चार लाइनें अपने से, अब भाई सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो आपने ही बोला तो कुछ तो लाइनें होंगी जो जोड़ना चाहो, बताओ खुद से, फ्री हो बताओ, कुछ ऐसा चीज जो बोलना है। कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो, और बाकी करियर पे तो फोकस करना ही है, पहले तो करियर पे फोकस करिए और एक एम बना के चलो, ज्यादा भटको मत। ओके, और ज्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, कि हम ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, जैसे मेरे कुछ कजन्स लोग हैं उन लोग का रोज हर दो दिन पे वो बदलता रहता है कि आज हमको इंजीनियर बनना है फिर डॉक्टर बनना है। मुझे लग रहा है प्लान वीडियो है क्या बस दी और कजन्स के लिए। तो इतना, इतना, इतना बड़ा वीडियो बना के क्यों भेजना, उनको मैसेज कर दिए होते। तो मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब अपने पे इतना प्राउड है कि सही मायने में डिसीजन तुम ही अच्छा लेते हो, आपका डिसीजन मतलब बहुत अच्छा है। मुझे अपने बारे में पता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं,
और मतलब मेरा था कि बचपन से हमको यही करना ही है, वही कर रहा अब। ओके चलो, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आया। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने एम को लेके बहुत क्लियर हैं, डिसीजन मेकिंग इनका अच्छा है, मैच्योर भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि फैमिली भी इनकी बहुत सपोर्टिव है। इन्होंने अपनी पढ़ाई को स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रखा हुआ है। ट्वेल्थ में कितना था? ट्वेल्थ में मेरा 94%। 94। फिर यूजी में कैसे एमपीजी में अटक गए? मतलब कुछ तो कारण होगा, मतलब इतने अच्छे मार्क्स ला के आई थिंक कहीं ना कहीं ट्वेल्थ दिखा रहा है कि आप पढ़ने बहुत अच्छे थे। फिर कहाँ से चूक गया आपका एफएमसी? एक दो नंबर से शायद। एक दो नंबर से, कोई बात नहीं, बट एएमपीजी इज गुड एफिलिएटेड कॉलेज एबीएचयू। तो फाइनली ये पूरा एक अच्छा सा कन्वर्सेशन इनके साथ है। ये है रिशिता सिंह, ये है वाराणसी से, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। रिशिता सिंह आप एक मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो ये फाइनली है आपको पाठशाला की तरफ से, ठीक है? ओके, मोस्ट वेलकम। मैं चाहूँगा कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, आप बनारस के ही हो, तो आप अपना ऐसे ही डेडिकेशन स्टडी के को लेके रखो। और फाइनली आपको देखिए प्रोफेसर बनना है, तो कहीं ना कहीं ये माइंड में तो आपका होना ही चाहिए कि आप आने वाले समय में हज़ारों स्टूडेंट्स का भला करने वाले हो। तो जैसा आपसे बात करके मैंने महसूस किया कि एक अच्छा टीचर ऐसा ही होना चाहिए जो कंफ्यूज तो हो ही ना, नहीं लोगों का कंफ्यूजन दूर कैसे करेगा। तो बहुत अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन, बहुत अच्छा है। अगर आपके पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट दिया इनको। ऐसे लगभग हर एक इंडियन फैमिलीज, वर्ल्ड की फैमिलीज में होना चाहिए बेसिकली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और वो जो भी बनना चाहें उनमें जितना सहयोग हो सके अपना सहयोग देना चाहिए। तो बहुत थैंक यू सो मच, और मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और ख़ासकर एएमपीजी में तो वीडियो ज़रूर चला जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक, हरा हर महा।